थाना क्राइम ब्रांच में हमसेट के तहत कार्रवाई की गई है, चूँकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस में। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकली कर से ये पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से दो पिस्टल पकड़ी गई हैं और दो कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे चार वेपन्स जब्त हुए हैं, तीन जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया शुभम गैंग के सदस्य हैं। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवान प्रिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं और इनकी जो राइवलरी चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, वो सिमरन ग्रुप के सिमरन जो गैंग है उससे चल रही है। सिमरन जो ग्रुप का है वो सरगना है सनी गुरिल्ला, तो उनसे उनकी खटपट चल रही है। उनमें कई मर्डर और आत्महत्या के प्रयास के भी मामले पंजीबद्ध हैं। ये तीनों ही आरोपी जो कि अमृतसर से हत्या के प्रयास के मामले में फरार हैं, इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में। इसमें ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है पूछताछ में। इनको तस्दीक किया जा रहा है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है पूर्व में भी ये लोग वेपन्स लेकर वहाँ पर अमृतसर में जो गैंग वॉर चल रही है वहाँ पर भी कई बार लगभग एक दर्जन के करीब पिछले 3 से 4 सालों में लेकर वेपन्स गए हैं वहाँ पर। दूसरा ये बताया गया है जो इनके जो गैंग वॉर चल रही है वो 5 से 6 साल से इन दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है, जिसमें कि एक हत्या भी हुई है और हत्या का प्रयास भी हुए हैं। फिलहाल जो इनका जो मास्टरमाइंड है जग्गू भगवानपुरिया वो बठिंडा जेल में बंद है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इनसे पूछताछ। सिकलीकर का नाम इनके द्वारा बता दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है, इसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जाएगा, उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।